हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज है डे 20 हमारी सीरीज़ का। बेसिकली आज तक तो हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट थोड़े टाइम से मैं बाहर था, मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई काफ़ी टाइम का गैप हो गया, अराउंड 6 to 7 days का गैप हो गया। इसके बाद हम आज आए अपनी सीरीज़ का डे 20 लेके, और हम आज गेन करेंगे अराउंड 10%, जो हमारा टारगेट रहेगा। और जो 10% रहेगा वो रहेगा अराउंड 32 से 33 डॉलर्स। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 23 फरवरी के बाद कोई ट्रेड नहीं हुई है, जो हमारी लास्ट ट्रेड थी 23 तारीख को। तो उसके बाद हम आज से चालू करेंगे, तो करते हैं लेट्स ट्रेड। तीन सेशन में हम गेन करेंगे अराउंड 32 डॉलर्स। लेट्स सी कि कितने सेशंस में 32 डॉलर आ जाएगा। ओके, अराउंड 13 डॉलर्स पर ट्रेड पे, तीन ट्रेड्स में हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कहाँ में ट्रेड मिलती तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी। बेसिकली मार्केट अगेन राउंड नंबर के लेवल पे है, जस्ट उसको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किए डाउन की। और यहाँ पे अराउंड मुझे 9 सप्लाई जोन भी इन दो कैंडल्स में दिखाई दिया है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड विन होनी चाहिए। लेट्स सी, अगर ये नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी साइजिंग में बनती है देन हमें अगेन ट्रेड मिल सकती है, बट यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हमारी फर्स्ट ट्रेड तो हो चुकी है ITM डायरेक्ट, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था डाउन का वही हुआ। ओके, लेट्स सी मार्केट अभी कहाँ कंटिन्यू करता है, वेट करते हैं जब तक कहीं और असेट्स पे हम ट्रेड ढूंढते हैं। ओके, वहाँ पे भी मार्केट एक SNR लेवल पे ही है। यहाँ पे हमारे को एक ट्रेड मिल सकती है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है। ट्रेड का रीज़न सिंपल सा है, यहाँ पे एक SNR लेवल है और बायर्स के इतने अच्छे मूवमेंट को यहाँ पे एक सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल ने रोका है। मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत हैवी हैं, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स वाई मैंने अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है। आई थिंक
डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अभी, सो देखते हैं। ओके सो ये ट्रेड भी हमारी डायरेक्ट ITM हो चुकी है। ओके सो जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था कि डाउनवर्ड ट्रेड ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होगी, सो वही हुआ। मार्केट ने मोमेंटम कंटिन्यू किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अभी भी मार्केट डाउन ही जाएगा। देखते हैं कहाँ मार्केट में और कहाँ अच्छी ट्रेड मिल सकती है हमें। ओके यहाँ पे हमारी एक ट्रेड मिस हो गई। अकॉर्डिंग टू मी ये कैंडल रेड ही बननी चाहिए, और अगर ये ग्रीन बन जाती है एंड में सो हमारे को यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, सो आई थिंक मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन की तरफ अगेन। स्पिनिंग टॉप एक कंटिन्यूएशन कैंडल का साइन है। कलर कोई मायने नहीं रखता इस जगह पे। ओके वहाँ पे भी मार्केट एक राउंड नंबर के लेवल को ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे SNR भी है। सो यहाँ पे हमारे को ट्रेड मिल रही है अमेरिकन को। आई थिंक मुझे थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन से लेनी चाहिए एंट्री। ओके सो मैंने प्लेस कर दिया है। मेरे को लग रहा है मार्केट अप ही जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल जस्ट SNR पे क्लोज ही हुआ है और बहुत टाइम बाद मार्केट यहाँ पे आया, सो आई थिंक इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। और राउंड नंबर को भी ब्रेक किया है, सो अकॉर्डिंग टू मी ये ट्रेड एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। लेट्स सी। मार्केट रिजेक्शन दे रहा है नीचे से। आई थिंक ये अच्छी खासी ग्रीन बन सकती है एंड में ऊपर जा सकता है मार्केट। बस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनी। सो इसी के साथ हमने तीन ही ट्रेड्स में अपना टारगेट कर लिया अचीव, जो कि अराउंड 32 से 33 डॉलर्स वो हो चुका है तीन ही ट्रेड्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ही ट्रेड्स में टारगेट हो चुका है पूरा। सो मिलते हैं Day 21 में विथ न्यू टारगेट। और जिसको भी ऐसी ट्रेडिंग सीखनी है वो हमारे को मैसेज कर सकता है, और अगर आपको सिग्नल्स चाहिए तो आप VIP में ज्वाइन हो सकते हो। हम वहाँ पे डेली 5 से 8 शॉर्ट्स देते ही देते हैं, और हमारे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप डेली प्रॉफिट में ही एंड करोगे। सो ओके गाइस, मिलते हैं कल।